बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनुराय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करती हूं। आज के लैंग्वेज मंत्रा में हम पढ़ने वाले हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से को। हालांकि हर सब टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, परंतु हिंदी के अंतर्गत सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो है हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार जिसके अंतर्गत आप तीन चीजों को पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम चार प्रकार के आधार में शब्द को जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम शब्द विचार में आगे की चीज देखेंगे तो आपको मैंने बताया था किसी भी भाषा में जो मौखिक उच्चारण में सुनाई देती है उसे कही जाती है ध्वनि, ठीक है। इस ध्वनि को जब आड़ा तिरछा खड़ा और वक्र आकार दे दिया जाता है और एक सांकेतिक चिन्ह के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है तब ये वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्वर के साथ में जो है उसे हम अक्षर कहते हैं और स्वयं स्वरों को और हलंत वाले तत्व को हम वर्ण के नाम से पुकारते हैं। इसी वर्ण का एक संपूर्ण संग्रह होता है जिसे वर्णमाला कही जाती है। इस वर्णमाला के आपने हिस्से पढ़े, सबसे पहला स्वर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा व्यंजन, और स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कहलाती है हमारे लिए अयोग वाह, ठीक है। जब इसी स्वर और व्यंजनों को एक दूसरे से संयुक्त किया जाता है तो कभी ये प्रथम संयोग करते हैं जिसे हम आरंभ संयोग भी कहते हैं, जिसे हम संयुक्त ध्वनि के नाम से पुकारते हैं, और कभी यह मध्य में संयोग करता है इसे हम मध्य संयोग कहते हैं, और जहां एक व्यंजन का दो बार रिपीटेशन होता है उसे द्वित्व वर्ण या युग्मक प्रयोग या द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं वर्ण अक्षरों के जब संयुक्तिकरण होता है तब निर्माण होता है संयुक्त अक्षर से किसका, शब्द का, ठीक है। तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आज के टॉपिक में हम शब्द क्या है, कहां से आया, कैसे बना, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के संबंधित प्रश्न को MCQ के माध्यम से जानेंगे और बेसिकली उसको पहचानना कैसे है, उसको समझना कैसे है उसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब कि जब हमारे द्वारा किसी प्रकार के वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है तो माना जाता है कि दैनिक दिनचर्या में हमें लगभग 5000 प्रकार के शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे दिन भर में हम अलग अलग प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो समझने वाली बात है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 60% हम तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारे लिए ये होता है संस्कृत के शब्द जिसका हर क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी बात, 30% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साधारण बोलचाल की लोकल लैंग्वेजेस होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और बचे हुए 10% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए विदेशज भाषा के प्रभाव से आए हुए शब्द होते हैं। और इस प्रकार 100 प्रकार के शब्दों में 60% हिस्सा संस्कृत के शब्दों का, 30% हिस्सा हिंदी के शब्दों का, और 10% हिस्सा हमारे लिए विदेशज शब्दों का होता है। और कुल मिला के लगभग एक दिन में 5000 से ज्यादा शब्द का हमारे द्वारा मौखिक उच्चारण में या लेखन की प्रक्रियाओं में आवश्यकता के अनुसार शब्द के इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और शब्द विचार जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे इटिमोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। वर्ण व्यवस्था या वर्ण विचार जिसे हम फोनोलॉजी या फोनेटिक्स या अल्फाबेटिकल्स कहते हैं, उन्हीं वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि शब्द के निर्माण करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये शब्द विचार जिसके अंतर्गत हम कह रहे हैं कि वर्ण अक्षर जो आपके लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई होती है, इसमें स्वर अयोग वाह और व्यंजन होते हैं जिनको संयुक्त अक्षर किया जाता है तो शब्द का निर्माण होता है। दूसरी बात बेटा ध्यान रखिएगा कि शब्द निर्माण के लिए, शब्द के निर्माण के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे द्वारा शब्द के निर्माण किए जाते हैं तो हम चार प्रकार की प्रक्रिया को निभाते हैं। एक तो निभाई जाती है हमारे संधि की प्रक्रिया, एक निभाई जाती है हमारे लिए समास की प्रक्रिया, ठीक है, एक निभाई जाती है उपसर्ग की प्रक्रिया, और एक निभाई जाती है हमारे लिए आपके प्रत्यय की प्रक्रिया, ठीक है। तो जब शब्द निर्माण की सबसे पहली इकाई, शब्द निर्माण की प्रथम इकाई किसे कहा जाएगा, शब्द निर्माण की प्रथम इकाई हम कहते हैं संयुक्ताक्षर को।
है ना, शब्द निर्माण की प्रथम इकाई कहा जाता है संयुक्त अक्षर को, जहां शब्द एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें प्रथम संयोग, आरंभ संयोग, मध्य संयोग या युग्मक प्रयोग जो है वो देखने को मिलते हैं। और इस आधार पर देखा जाए तो जब शब्द निर्माण में वर्ण अक्षर संयुक्त होते हैं तो चार प्रकार की प्रक्रिया में से सबसे प्रारंभिक अवस्था हमारे लिए संयुक्ताक्षर है, लेकिन इसके अलावा हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के द्वारा शब्द का निर्माण करते हैं। तो एक से अधिक या एक अथवा अनेक वर्ण अक्षरों के मिलने से स्वतंत्र और सार्थक तत्व का जब निर्माण होता है तब उसे शब्द कहा जाता है, यानी कि वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। और इस शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है निम्न में से योग रूढ़ शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कहता है चिकित्सालय, ऑप्शन बी कहता है देवालय, ऑप्शन सी कहता है लंबोदर, ऑप्शन डी कहता है पाठशाला। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये हमारे लिए शब्द क्या है। तो कहने का मतलब कि जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो शब्द के निर्माण में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द के निर्माण की सबसे पहली इकाई है आपके लिए संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर के साथ हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की प्रक्रिया निभाते हैं। तो आखिर ये शब्द रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इतिहास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात, वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। और शब्द के भेद कितने हैं कहते हैं, तो शब्द के भेद को चार आधार पर हम जानते हैं। एक तो जानते हैं हम रचना के आधार पर, दूसरा जानते हैं हम इतिहास के आधार पर, ठीक है, तीसरा जानते हैं हम अर्थ के आधार पर, और चौथा जानते हैं हम प्रयोग व रूपांतर के आधार पर। ठीक है, और इसमें सबसे पहला होता है हमारे लिए रचना या बनावट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्रिएटिविटी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आप तीन प्रकार के शब्द पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रूढ़ शब्द को, दूसरा पढ़ते हैं आप यौगिक शब्द को, और तीसरा पढ़ते हैं आप योग रूढ़ शब्द को। ठीक है, तो आखिर ये शब्द क्या होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि हमारे लिए रूढ़ शब्द क्या होता है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसे हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, रचना के आधार पर हमारे लिए रूढ़ शब्द में सबसे पहला क्या होता है, इसे हमारे द्वारा ट्रेडिशनल वर्ड्स कहा जाता है। स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला ऐसा शब्द जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता, यानी कि परंपरागत और निश्चित अर्थ देने वाले शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगर इसके हम खंड करना चाहें तो सार्थक अर्थ जो है वह निरर्थक में बदल जाएगा, क्योंकि पृथक करने पर जो सार्थक शब्द होते हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। तो स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला ऐसा शब्द जिसे खंड में बांटा ना जा सके, किसी परंपरागत नियम के रूप में प्रयोग होते थे, होते हैं और होते रहेंगे, तो ऐसे शब्द को ट्रेडिशनल वर्ड्स या रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो किसी भी शब्द का एक परंपरागत शब्द, यानी कि किसी भी शब्द का नियमित प्रयोग होने वाले शब्द जिसके अंतर्गत एक निश्चित अर्थ होता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि यदि हम जल कहते हैं, उसी प्रकार भवन कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। अगर हम इसके खंड करना चाहें तो जो सार्थक शब्द है इसको खंड करने पर हमें ज के साथ में ल और अ के साथ में स्वर का मिश्रण देखने को मिलेगा, और इस तरह इससे खंड में बांटने पर यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा। तो एक ऐसा शब्द जो स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखता है, जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता, किसी परंपरागत नियम से प्रयोग होते थे, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा होता है हमारे लिए यौगिक शब्द, जिसे हम कंबाइंड वर्ड्स कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जब शब्द का निर्माण की प्रक्रिया निभाई जाती है तो संयुक्ताक्षर करने से अगर वो सार्थक तत्व किसी परंपरागत नियम से बन गया तो वो रूढ़ हो गया। लेकिन दो शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द जिसे दो सार्थक खंड में बांटा जा सकता है, तो ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हमारे लिए संधि, समास, ठीक है, यहां तक कि हमारा उपसर्ग
और प्रत्यय वाले, ठीक है ना। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वाले जो एग्जाम्पल होंगे वो हमारे लिए यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ऐसा शब्द जो आवश्यकता के अनुसार दो सार्थक खंडों में विभक्त किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। यदि आप कहते हैं, जैसे कि आप कहते हैं पाठशाला, तो पाठ और शाला को अलग किया जा सकता है जो संधि के अंतर्गत है। उसी प्रकार समास में यदि आप कहते हैं जैसे कि ट्रेन भाड़ा कहते हैं, तो दो शब्दों को अलग कर सकते हैं। यदि आप उपसर्ग में प्रति को जोड़ देते हैं दिन में, तो इजिली आप उसको अलग कर सकते हैं। यदि आप बिकाऊ कहते हैं, तो बिक शब्द में आप आऊ प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की प्रक्रिया से निर्मित ऐसे शब्द जो सार्थक खंडों में बट जाते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन एक शब्द होता है ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, जिसे कहा जाता है आपका योग रूढ़ शब्द। अब ये ट्रेडिशनल भी है, कंबाइंड भी है, मतलब कि इसमें दो चीजों का मिश्रण है, यौगिक का मिश्रण है और हमारे लिए इसमें रूढ़ का मिश्रण है। तो कहने का मतलब क्या होगा, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा शब्द जो आवश्यकता के अनुसार दो खंड में बांटे जा सकते हैं, परंतु किसी निश्चित अर्थ को बताने के लिए यदि वो परंपरा से रूढ़ हो जाते हैं तो ऐसे शब्दों को रूढ़ भी कहा जाएगा। इसलिए यौगिक और रूढ़ होकर इसे ट्रेडिशनली कंबाइंड होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो दो शब्द के योग से मिलकर बना हुआ शब्द जो किसी परंपरा के अर्थ हेतु किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ बहुव्रीही समास, जितने भी हमारे लिए बहुव्रीही समास के उदाहरण हैं, वो सब हमारे लिए योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं जैसे कि दशानंद, तो दश और आनंद को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दशानन रूढ़ है किसके लिए, आपके लिए, रावण के लिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप पंकज कहते हैं, तो पंक में अज प्रत्यय है जिससे अलग किया जा सकता है, और रूढ़ किसके लिए है, आपके किसके लिए, आपके कमल के लिए। इसी प्रकार अगर वो लंबोदर कहता है, तो लंबा उदर कहकर दो शब्द को अलग तो कर सकते हैं, लेकिन ये रूढ़ किसके लिए है, गणपति के लिए। तो प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रश्न ने क्या पूछा है, तो सबसे पहले प्रश्न ने पूछा है निम्न में से योग रूढ़ शब्द की पहचान कीजिए, क्या वो चिकित्सालय है, देवालय है, लंबोदर है या पाठशाला। चिकित्सा धन आलय बराबर चिकित्सालय कहकर यह हमारे लिए यौगिक शब्द हो गया। इसी प्रकार देव धन आलय कहकर, देवालय कहकर हमारे लिए क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। पाठशाला कहकर यौगिक हो गया, लेकिन लंबोदर कहकर समास की प्रक्रिया से यह गणपति को संबोधित करता है, इसलिए दो शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द जो सार्थक खंड में विभक्त तो हो जाए परंतु किसी परंपरा से बंध जाते हैं तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। तो निम्न में से लंबोदर हमारा योग रूढ़ शब्द है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए, बंध है कि बंध्या है कि बांध है कि संध्या है। बांझ किसे कहा जाता है, जिसकी संतान नहीं होती, ठीक है। तो बंध का मतलब होता है बांधना, बांध का मतलब होता है जहां जल को रोका जाता है, और संध्या का मतलब होता है सांझ। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बंध्या। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो फिर से देखेंगे, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अब हम यहां पर आते हैं आपके लिए एक ऐसे शब्द को जानने के लिए जो हमारे लिए इतिहास का आधार बनाता है, ठीक है। इसे इतिहास, उद्भव, या हम इसे उद्गम का आधार कहते हैं, या हम इसे स्त्रोत का आधार कहेंगे, या तो हम इसे उत्पत्ति का आधार कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये हमारे पास शब्द आया कहाँ से। एक तो हमने वर्ण अक्षरों को संयुक्त कर दिया, अब ये हमारे पास शब्द आया कहाँ से, तो इसे बेस्ड ऑन ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन ओरिजिन यानी कि इतिहास, उद्गम, उद्भव, उत्पत्ति, या हमारे लिए स्त्रोत के आधार पर। तो सबसे पहली बात, इसके हमारे प्रकार क्या होंगे, सबसे पहला देखते हैं हम तत्सम शब्द को, ठीक। तत् का मतलब होता है उसी के, तत् का मतलब होता है उसी के, ठीक है। और सम का मतलब होता है समान, ठीक है। तो हमारी प्राचीन आर्य भाषा क्या, संस्कृत। तो संस्कृत बेस्ड वर्ड्स यानी कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं,
और आवश्यकता के अनुसार हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वो संस्कृत के हैं। तो संस्कृत संबंधी तमाम क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, प्रशासन हो या किसी भी क्षेत्र विशेष में, शैक्षणिक हो, तकनीकी हो, हर जगह हमें संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं। इसे हम उत्पत्ति का आधार तो कहते हैं, इसे हम देखा जाए तो इसका मूल उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है, इसके मूल उत्पत्ति का स्रोत जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, संस्कृत होता है। तत्सम शब्द के मूल जो आपकी उत्पत्ति का स्रोत है वो हमारे लिए तत्सम होता है। कहने का मतलब ध्यान से समझेंगे, जिस किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, किसी भी भाषा के मूल शब्द को, किसी भी भाषा के, ठीक है ना, मूल शब्द को, ठीक है, क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को कहा जाता है हमारे लिए तत्सम, ठीक है। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं derived from Sanskrit and used as is in Hindi, those words which we taken from language of Sanskrit for use of our language Hindi, that called तत्सम शब्द। बशर्ते हम क्या करते हैं, संस्कृत में देखा जाए तो मैक्सिमम शब्दों में एक हलंत पाया जाता है, जैसे कि राजन, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो महान, इसी प्रकार हमारे लिए कहता है जैसे कि भगवान। जब हम इसको हिंदी में लेते हैं तो हम इसके हलंत को हटा देते हैं और ना चाहते हुए भी इस व्यंजन वाले वर्ण को बगैर स्वर के उच्चारण कर पाना संभव नहीं होता, इसलिए मैं आंशिक तौर पर न के साथ में अ को जोड़ देते हैं और हम क्या कहने लगते हैं, राजन। इसी प्रकार क्या कहते हैं, महान। इसी प्रकार क्या कहते हैं, भगवान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जो हिंदी में उसी मूल रूप से लिए जाते हैं तो प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाए जिस रूप में वो संस्कृत में है, बगैर किसी अर्थ के, बगैर रूप के परिवर्तन के हिंदी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग तत्सम की श्रेणी में लाता है। इसकी एक पहचान होती है, तत्सम शब्दों की एक विशेष पहचान होती है। क्या पहचान होती है, कि यहाँ पर हमारे लिए एक अर्ध एक पूर्ण अक्षर होता है, ठीक है। तत्सम शब्दों की पहचान होती है कि ये थोड़े से क्लिष्ट होते हैं, एक अर्ध और एक पूर्ण अक्षर होता है। जैसे कि अगर कहता है, अग्नि कहता है, पुत्र कहता है, सूर्य कहता है, इसी प्रकार हमारे लिए चंद्र कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अर्धाक्षर और एक पूर्णाक्षर होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर संयुक्ताक्षर भी देखने को मिलता है, जैसे कि हम सूर्य कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं, अग्नि कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अर्धाक्षर और एक पूर्णाक्षर, इसकी पहचान होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ से विसर्ग को हटा दिया जाता है, जैसे कि निह रोग कह रहा है तो हमारे द्वारा लिखा जाता है निरोग। इसी प्रकार दुःख कह रहा है तो हमारे द्वारा लिखा जाता है दुख। यानी कि हलंत को और विसर्ग को आवश्यकता के अनुसार हटा देते हैं, जैसे कि अगर वो राजन कह रहा है, ठीक है, इसके अलावा अगर वो बालक कहता है, ठीक है, इसी रूप में अगर वो छात्र कहता है, इसी रूप में शिष्य कहता है, ठीक है, वर्षा कहता है, ये हमारे लिए आपके तत्सम की पहचान होती है। अगली बात कि तत्सम की पहचान होती है कि जिस शब्द में संयुक्ताक्षर के तौर पर र जुड़ा है ना, जैसे कि हमारे लिए पुत्र कह रहा है, ठीक है, या तो हमारे लिए धर्म कह रहा है, ये आपकी पहचान है कि जिस शब्द में हलंत का र आ तो आर्य वर्ण में होगा या संयुक्ताक्षर के तौर पर होंगे, जिस शब्द के अंत में एक क्षत्रिय का क्ष होगा, जैसे कि अक्षुण कहता है, ठीक है ना, जैसे कि अक्षुण कहता है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो क्षेत्र कहता है, ठीक है, तो अक्षुण कहता है, क्षेत्र कहता है, जब हम देखते हैं जैसे कि क्षमा कह रहा है, ठीक है ना, तो एक क्ष वाले शब्द भी हमारे लिए तत्सम होते हैं। इसके अतिरिक्त षटकोण का श, जैसे कि वर्षा, शिष्य, कृषि, वृष्टि, दृष्टि, ये षटकोण के श वाले वर्ण भी हमारे लिए तत्सम होते हैं। अधिकांशतः शक्कर का श, जैसे कि श्वेत कह रहा है,
ठीक है, जैसे कि श्यामल कह रहा है, यह भी हमारे लिए, श्वेत कह रहा है, श्यामल कह रहा है, इसी प्रकार शुकर कह रहा है ना, ये सब हमारे लिए तत्सम की श्रेणी में आते हैं। जब हम देखते हैं ऐसा शब्द जो आपके यज्ञ का य, जैसे कि जय कह रहा है, ठीक है, उसी प्रकार पराजय कह रहा है ना, उसी रूप में आपके ये तत्सम की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त एक और पहचान है जहां ऋषिकर री होता है। अब ये ऋषिकर री आरेफ वर्ण भी है, जैसे कि हमारे लिए कृषि कह रहा है, जैसे कि हमारे लिए दृष्टि कह रहा है, ठीक है, ये भी हमारा शब्द है जो तत्सम शब्द की पहचान में आता है। ठीक है, जो आपके त्रिशूल का त्र है, जो आपके त्रिशूल का त्र है, जैसे कि चरित्र कहा, ठीक है, जैसे कि नक्षत्र कहा, जैसे कि पुत्र कहा, तो त्रिशूल के त्र वाले शब्द भी हमारे लिए तत्सम की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको पहचानने दिया जाए तो सबसे पहली बात पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान रखेगा कि तत्सम शब्द में एक अर्धाक्षर एक पूर्णाक्षर होता है, यहाँ पर संयुक्त अक्षरों के प्रयोग होते हैं, जहां हम तद्भव करते हैं तो संयुक्त अक्षर जो है वो टूट जाते हैं। दूसरी बात कि इसके अंत में अगर देखा जाए तो रस्सी का र हलंत वाला अगर है तो आरेफ वर्ण या संयुक्त अक्षर होगा, क्षत्रिय के क्ष वाले, यहाँ तक कि षटकोण का श, शक्कर का श, ऋषि का री, ज्ञानी का ज्ञ वाले शब्द, इसके अलावा वचन का व, ठीक है ना, जैसे कि अगर कहता है वचन का व, अगर वो देव कहता है, यदि वो मानव कहता है, ठीक है, इसी प्रकार भवन कहता है, तो अधिकांशतः व, जैसे कि वत्स कहता है, वधु कहता है, वक्र कहता है, वहन कहता है, वर यात्रा कहता है, ये सब हमारे लिए तत्सम की श्रेणी में आते हैं, यहां तक कि ज्ञानी का ज्ञ, ठीक है, जैसे कि विज्ञान कहता है, ज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है, ज्ञान कहता है, यहां तक कि हमारे लिए यज्ञ कहता है, सर्वज्ञ कहता है, तो ये सब हमारे लिए तत्सम की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है कि तत्सम का दूसरा रूप है हमारे लिए आपका तद्भव। ठीक है, तो प्रश्न के अंतर्गत अगर देखा जाए तो तद्भव क्या होता है, तद का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है, और भव का मतलब होता है हुआ। When Sanskrit words converted into Hindi, When Sanskrit words changed into Hindi, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के विकृत रूप को, किसी भी भाषा के विकृत रूप को, ठीक है, तो किसी भी भाषा के मूल रूप को अगर हम तत्सम कहते हैं तो किसी भी भाषा के विकृत रूप को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत के शब्द का उसी रूप में प्रयोग करना तत्सम है, और संस्कृत के शब्दों का हिंदी में सरल रूपांतरण जब किया जाता है बगैर अर्थ में परिवर्तन के, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तो मूल भाषा के वे शब्द जिसको हिंदी में परिवर्तित करके सरल कर दिया जाता है उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ये तद्भव शब्द की खासियत होती है कि इसकी पहचान, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए डायरेक्ट तत्सम से तद्भव में बदलते हैं। ठीक है, तो तत्सम से तद्भव बदलने पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से किस में बदल जाते हैं, हिंदी में, लेकिन कुछ ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जहां संस्कृत के बाद में इसमें हमारे लिए हिंदी का परिवर्तन तो है परंतु इसमें प्राकृत भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे कि संस्कृत में अगर हम कहते हैं अग्नि, ठीक है, अग्नि से बना हमारे लिए आग, ठीक, तो डायरेक्ट संस्कृत टू हिंदी है, जैसे कि वृक्ष कह रहा है ना, तो हम कह सकते हैं पेड़, ठीक है, जैसे जनक कह रहा है तो हम क्या कहते हैं, पिता, ठीक, लेकिन अगर हम संस्कृत से हिंदी की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे लिए मत्स्य कह रहा है, जो हिंदी में हमारे लिए मछली है, प्राकृत भाषा के अंतर्गत अगर हम छत्तीसगढ़ी बोली की बात करते हैं, यही हमारे लिए मछरी बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर वो अग्नि कह रहा है तो अग्नि से तद्भव में आग है, और छत्तीसगढ़ी की प्राकृत बोली के अनुसार इसका प्रभाव आगी में बदल जाता है। और इस तरह देखा जाए तो तत्सम से तद्भव परिवर्तन के दो तरीके हो जाते हैं, एक तो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में बदल जाता है, और दूसरा होता है कि संस्कृत से हिंदी के प्राकृत भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द जिसको हम बात करते हैं उसे तद्भव शब्द
शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत का बिगड़ता हुआ सरलीकरण वाला हिंदी के शब्द को तत्सम से तद्भव की श्रेणी में लेकर आ जाता है और अधिकांशतः शब्द ऐसे होते हैं जो भी इसकी पहचान बनाते। तो तद्भव की पहचान क्या है? ठीक है, तो तद्भव शब्द की पहचान क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम तद्भव शब्द हैं जो हमारे लिए चंद्र बिंदु वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे लिए धूम्र से हो जाता है धुआं, कूप से हो जाता है कुआं। ठीक है, उसी प्रकार चक्षु से हो जाता है हमारे लिए आंख। ठीक है, और मुख से बन जाता है हमारे लिए मुंह। तो अधिकांशतः हमारे लिए तत्सम शब्द है जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं जो इसकी पहचान बनाते हैं। अगली बात कि जब तत्सम से तद्भव बदल रहे होते हैं तो वर्ण अक्षर में जो संयुक्त अक्षर है तो क्या हो जाता है कि यहाँ जो संयुक्ताक्षर है ना, संयुक्ताक्षर क्या हो जाता है, टूट जाता है, संयुक्ताक्षर पृथक हो जाते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर पृथक हो जाते हैं। जैसे कि अगर वो सूर्य कह रहा है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, सूरज। ठीक है, इसी प्रकार पुत्र कह रहा है तो हमारे लिए बन जाता है पुत्र, और चरित्र से बन जाता है चरित्र, अग्नि से बन जाता है आग, और नक्षत्र से बन जाता है नखत। ठीक है, इसी तरह देखा जाए तो कर्म से हो जाता है हमारे लिए काम। ठीक है, धर्म से हो जाता है हमारे लिए धर्म। यहां तक कि वर्णाक्षर क्या है, परिवर्तित होते हैं, वर्णाक्षर जो है वो परिवर्तन करते हैं। ठीक है, वर्णाक्षर जो है परिवर्तन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें प्राकृत भाषा का प्रभाव है। ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट देता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जहां अवधी भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो तत्सम से तद्भव परिवर्तन जब किया जाता है तो छत्तीसगढ़ी में क्या है, अवधी और बघेली दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो जो वर्ण अक्षर अवधी और बघेली में, यानी कि प्राकृत भाषा की बोलियों में जो परिवर्तन है, उससे तत्सम से तद्भव परिवर्तन करते समय शब्द में वर्ण अक्षर बदल जाते हैं। यहां देखिएगा ये शक्कर का श सरोते के समय बदल जाता है, इसलिए अगर वह श्वेत कहता है तो सफेद हो जाता है। इसी प्रकार अगर वह श्यामल कहता है तो हमारे लिए सांवला हो जाता है। ठीक है, षटकोण का श ये दो रूप में बदलता है, स में और ख में। तभी तो यदि वो वर्षा कहता है तो हमारे लिए कभी वर्षा भी है तो हमारे द्वारा कभी उसे बरखा कहा जाता है। दोष से हमारे लिए दोख हो जाता है, इसी प्रकार भाषा से भाषा या भाखा भी बनती है। ठीक है, अगली बात की जो क्षत्रिय का क्ष है वो हमारे लिए ख और छ दोनों में बदलता है, इसलिए अगर वो अक्षोट कहता है, अगर वो अक्षोट कहता है तो हमारे लिए बन जाता है अखरोट। ठीक है, इसी प्रकार चक्षु कहता है तो बन जाता है आंख, अक्ष कहता है तो बन जाती है धूरी। इसी प्रकार देखा जाए तो साक्षी से साखी बन जाता है, क्षीर से खीर बन जाता है, क्षणिक से क्षण बन जाता है, क्योंकि अगर वो नक्षत्र कहता है तो नक्षत्र हो जाता है या नखत कहते हैं, और अगर वो क्ष में बदलता है से आपके छ में, तो इसी प्रकार अगर वो क्षेत्र कहता है तो खेत हो जाता है। इसके अलावा यदि वो अक्षर कह रहा है तो आखर हो जाता है। ठीक है, और कुशल क्षेम से कुशल क्षेम बन जाता है। ठीक है, यहाँ वचन का व जो आवश्यकता के अनुसार बकरी के ब में बदल जाता है, तो वत्स से हो जाता है हमारे लिए बेटा। ठीक है, वत्स से हो गया बेटा, वधू से हो गया बहू, और उसी प्रकार अगर देखा जाए तो व्याह से ब्याह बन जाता है। ठीक है, अगला देखा जाए तो वत्स से हमारे लिए बच्चा बन जाता है और वक से बगुला बन जाता है। इवन यज्ञ का य जो ज में बदलता है, तो यदि वो यजमान कहता है तब हमारे लिए वो जजमान हो जाता है, और तभी तो यशोदा से हमारे लिए जसोदा हो जाती है, और सूर्य से हमारा शब्द जो है वो सूरज में बदल जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि इन सभी वर्ण अक्षरों में हम ये पाते हैं कि आवश्यकता के अनुसार जब वर्ण अक्षर बदल रहे हैं तो जो संयुक्त अक्षर है त्र, या तो त में या आपके तर में बदल जाता है। तो कहने का मतलब कभी कभी यह इस रूप में भी बदलता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि आपका इस रूप में, तो नक्षत्र कह रहा है तो नखत हो जाता है, चरित्र कह रहे तो चरित हो जाता है, तभी तो रामचरित्र मानस को रामचरित मानस कहते हैं, पुत्र से हमारे लिए पूत बन जाता है,
और कुपुत्र से हमारे लिए कपुत और सुपुत्र से सपुत हो जाता है, राजपुत्र से राजपुत हो जाता है और इसी प्रकार पत्र से पत्ता जैसे शब्द का निर्माण होता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो जो ज्ञानी का ज्ञ है वो हमारे लिए ज में बदल जाता है, इसलिए यदि वो यज्ञ का य कहता है तो हमारे लिए वह जग बन जाता है। ज्ञानी का ज्ञा जो है वो ग में बदलता है, ठीक है। तो यज्ञ से हमारे लिए क्या बन जाता है, ग, यानी कि हमारे लिए आपके जो यज्ञ का यह है तो यज्ञ से वो जग में बदल जाता है, ठीक है। और ज्ञान से हमारे लिए ज बन जाता है। तो देखने वाली बात है कि ज्ञान से हमारे लिए जान बन जाता है, इसीलिए मुझे ज्ञात है कहते हैं तो मैं इसे जानता हूं कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि टमाटर का ट बिकम्स टू अड़ा, ठीक है, इसीलिए तो आप क्या कहते हैं, कीट से हमारे लिए कीड़ा बन जाता है, करकट से कंकड़ बन जाता है, करकटी से ककड़ी बन जाती है, परपटी से पपड़ी बन जाती है। अब देखिए प्राकृत भाषा का प्रभाव कि अड़ा जो बिकम्स टू रस्सी का र, इसलिए अगर देखा जाए तो यदि वो आपका करपट कह रहा है तो कपड़ा है, और आपके इसी प्राकृत भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ी के अंदर देखिएगा तो अगर वो जूड़ा कहता है ना, तो हमारे लिए यह र में बदलकर जूड़ा से जूरा बन जाता है। तो प्राकृत भाषा के प्रभाव से इसका परिवर्तन होता है, लेकिन तत्सम से तद्भव परिवर्तन है तो ट को अड़ में बदल देते हैं, इसलिए देखा जाए तो कीट से कीड़ा बन जाता है, इसी प्रकार परपटी से पपड़ी बन जाती है, ठीक है। दूसरी बात कि सबसे पहचान कि जो अड़ा है और आपका अढ़ा है, ये शब्द हमेशा आपके तद्भव के होंगे, क्योंकि ये हिंदी के नव विकसित वर्ण है, इसे हिंदी का नव निर्मित वर्ण कहा जाता है, इसलिए अड़ा और अढ़ा हमारे लिए तद्भव होंगे। इसलिए अगर वो वधिक कहता तो बढ़ई बन जाता है, यानी कि बढ़ई कहता है, पढ़ाई कहता है, तो ये शब्द हमारे लिए हमेशा क्या होंगे, तद्भव होंगे। झगड़ा, लफड़ा, कंकड़, थप्पड़, पापड़, जूड़ा, कीड़ा कहता है, ये सब हमारे लिए तद्भव शब्द की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर हमारे लिए पौत्र कह रहे हैं तो पोता बन जाता है, रात्रि कह रहे हैं तो रात बन जाता है, ये सारे शब्द हैं हमारे लिए जो परिवर्तन होते हैं। जो दर्शन कह रहा है तो दर्शन बन जाता है, तो वर्ण अक्षर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी है तत्सम से तद्भव परिवर्तन में, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक और वर्ण है जो आपका अणा है, अणा बिकम्स टू नलकन्ना, इसलिए चरण से चरण बन जाता है, ब्राह्मण से ब्राह्मण बन जाता है, कण से कण हो जाता है, क्षण से क्षण बन जाता है, और देखा जाए तो हमारे लिए दर्पण से दर्पण बन जाता है। कहने का मतलब वर्ण अक्षर जो हैं वो पूरी तरह से बदल रहे हैं, तो इनसे तत्सम से किसका परिवर्तन हो गया हमारे लिए, तद्भव का परिवर्तन, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रश्न में, तो क्या पूछा है, तत्सम शब्द की पहचान। तो तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों का हिंदी में अगर उसी रूप में प्रयोग किया जाए जिस रूप में वो संस्कृत में है, तो संस्कृत बेस्ड वर्ड्स, संस्कृत रिलेटेड वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी दैट कॉल्ड तत्सम शब्द। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम की पहचान बता दी, और तद्भव का मतलब होता है व्हेन संस्कृत वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू हिंदी, व्हेन संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड इनटू हिंदी। तो किसी भी भाषा के विकृत रूप को, यानी कि संस्कृत के शब्दों का सरल हिंदी रूपांतरण वाला शब्द बगैर किसी अर्थ के परिवर्तन के, उसका सरल रूप है जो तद्भव की श्रेणी में आता है। तद्भव की पहचान मैंने आपको बतला दी, ठीक है। तो बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए, तो बांझ का तत्सम शब्द है हमारे लिए बंध्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा शब्द पृथक है, ऑप्शन ए भभूति, ऑप्शन बी एला, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी बारात। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा शब्द अलग है कह रहा है, तो देखना है क्या इसमें रूढ़ शब्द का कलेक्शन है, यौगिक का कलेक्शन है कि योग रूढ़ का कलेक्शन है, क्या इसमें सारे शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो सबसे पहली बात, भभूति या विभूति हम किसको कहते हैं, जो अगरबत्ती या जो कंडे को जला के हम जो पूजा करने के बाद जो राख बचती है उसे भभूति कहते हैं, भस्म, ठीक है। दूसरी बात, एला इलायची को कहा जाता है, तो इलायची का तत्सम रूप है एला। भभूति जो है वो एक विभूति का तत्सम रूप है जो भभूत होता है। दंड मतलब लकड़ी का टुकड़ा है जिसे दंड कहा जाता है, तो ये तीनों हमारे लिए क्या है, तत्सम है। लेकिन बारात हमारे लिए तद्भव है, क्योंकि बारात का तत्सम रूप होती है हमारे लिए वर यात्रा। तो तीन तत्सम है, एक तद्भव है, और क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द पृथक है पूछा है, तो तीन तत्सम है और एक हमारे लिए तद्भव है, इसलिए ये हमारा अलग हुआ।
ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तद्भव और तत्सम युग्म में से एक युग्म गलत है, उसका चयन कीजिए। अब देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तद्भव और तत्सम यानी कि एक साइड आपका तद्भव होगा, एक साइड उसका तत्सम होगा, इनमें से एक जोड़ा जो है वो गलत है, उसका चयन करना है, ठीक है। तो तत्सम तद्भव नहीं दिया है, तद्भव दिया है जिसका तत्सम रूप है ना। तो देखने वाले तब ऑप्शन कहते हैं बनिया जिसे क्या वणिक कहा जाएगा, सुअर क्या इसका तत्सम सूकर है, नॉन जिसका तत्सम लवण है, वक जिसका तत्सम वत्स है। तो ध्यान रखिएगा कि बनिया एक तद्भव शब्द है वणिक का, जो व्यापारी होते हैं। सुअर जिसका तत्सम शब्द है सूकर, ठीक है। तीसरा नॉन जिसे हम नून कहते हैं, जिसका तत्सम रूप है लवण। लेकिन वक कहते हैं तो वक हम बगुला को कहते हैं, वक जो है वो बगुला को कहते हैं, वत्स जो है वो बेटा है। तो वत्स हमारे लिए तत्सम शब्द है, परंतु वक जो है तत्सम शब्द है, और यह भी तत्सम शब्द है। प्रश्न ने क्या पूछा है, तद्भव तत्सम का युग्म। अब यहां पर बेटा कहता है ना, तो इधर हम वत्स कहते तो सही होता, परंतु यहाँ पर बगुला भी आपके लिए वक जो है वो तत्सम है, और आपका वत्स भी हमारा तत्सम है। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अब देखिए, ठीक है, और फिल्मोत्सव कैसा शब्द है। अब देखिए मैंने आपको दो ऑप्शन बता दिए, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, तत्सम तद्भव बता दिया, ठीक। तत्सम तद्भव के बाद में हम आते हैं उस चीज को जानने के लिए जो है हमारे लिए आपका शब्द, जहां पर हम आपको किसको जानेंगे, तत्सम तद्भव के बाद में हम जानेंगे एक शब्द जिसे कहते हैं देशज और विदेशज, ठीक है। तो तीसरा है हमारे लिए देशज, जिसे हम लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स कहते हैं, देश अज, ठीक है, देश अज, ठीक है। तो देश में ही जन्म लेने वाला, ठीक है, इस शब्द को क्या कहते हैं, लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स कहते हैं, जिसे देशज शब्द कहा जाता है। अब ये हमारे लिए देशज शब्द क्या होते हैं, तो समझने वाली बात है कि लोक भाषाओं से आए हुए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिसके उद्भव और उत्पत्ति अज्ञात हो, लोक भाषा स्थानीय परिवेश और बोलियों में स्थानीय शब्दों के बहुलता वाले शब्द को देशज कहा जाता है। अनार्य स्रोत से ये देशज शब्द आते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि लोक भाषा से आए हुए ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आदतन प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो आवश्यकता के अनुसार हमारे भाषा में ग्रहण कर लिए जाते हैं, इसकी उत्पत्ति उद्भव अज्ञात होता है, यानी कि अनार्य स्त्रोत से इसका आगमन होता है। ये स्थानीय बोलचाल और अज्ञात स्त्रोत से आदतन हमारे द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो देश के अंदर ही जन्म लेने वाले शब्द को देशज कहा जाता है। हालांकि इस देशज शब्दों में क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, इस देशज शब्दों में क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है कि जितने साम्राज्य राज्य की सीमा दायरे को छूता है वहां के शब्दों को वो इस्तेमाल करता है। दूसरा इस पर हम यादृच्छिक इच्छा। अब आप कहेंगे कि यादृच्छिक इच्छा क्या होती है, तो रेंडमली अगर हमारे पास कोई ऐसा शब्द जिसका की अर्थ है, तो प्रत्येक भाषा के तत्व में, हर प्रकार के भाषाओं में हर प्रकार के तत्व के लिए एक शब्द होता है जिससे उसकी पहचान होती है। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में अगर उस भाषा के लिए कोई शब्द नहीं है, तो अपनी इच्छा के अनुसार रेंडमली हम उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमारे नहीं है परंतु क्षेत्रीयता की सीमा दायरे से आवश्यकता के अनुसार अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और हम उसका प्रयोग करने लगते हैं, तो यादृच्छिक इच्छा होती है। तो देशज शब्दों में सबसे पहले क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, जितने राज्य की सीमा को छूता है वहां की बोली भाषा के शब्दों को लेकर चलता है। इस क्षेत्रीयता में अगर हम देखें तो भारत के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, सभी एक दूसरे के सीमा राज्य से जुड़े हुए, इसलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वहां से सहसा स्वीकार कर लिए जाते हैं। जैसे कि देखने वाली बात है कि यदि आप कहते हैं इडली, डोसा, वड़ा, सांभर कहते हैं, उन्यप्पम, उत्तप्पम कहते हैं, मीन कहते हैं, बिल्ला कहते हैं, ठीक है, लुंगी कहते हैं, तो ये दक्षिण भारतीय भाषा है। इसी प्रकार अगर आप कहते हैं गाछ कहते हैं, इसी प्रकार कका कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार आप गल्प आपके कहते हैं, जैसे कि गाछ कहते हैं, उसी प्रकार आप देखे जाए तो हमारे द्वारा कहा जाता है आपके शब्दों में, जब बांग्ला शब्द की बात होती है तो उपन्यास,
प्राण पंत कहते हैं, भद्र लोग कहते हैं, इसके अलावा चूड़ांत कहते हैं, इसके अलावा गल्प और नितांत कहते हैं, यहाँ तक कि रसगुल्ला कहते हैं, गाछी वृक्ष को कहा जाता था बांग्ला का शब्द थे, प्रगति चालू कहते हैं, ठीक है, प्रगति कहते हैं, चालू कहते हैं, इसके अतिरिक्त अगर हम बारा कहते हैं, इसी प्रकार लागू कहते हैं, चलतू कहते हैं, टिकाऊ कहते हैं, ढेकू कहते हैं, ठीक है, भाठा कहते हैं, है ना, भाचा कहते हैं, उसी प्रकार देखा जाता पड़रा कहते हैं, तो ये हमारे लिए मराठी के शब्द होते हैं, ठीक है। इसी रूप में यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अब गड़बड़ कहते हैं, हड़ताल कहते हैं, गरबा कहते हैं, दांडिया कहते हैं, ठीक है ना, ये सब हमारे लिए गुजराती भाषा के शब्द हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कोल संथाल की बात करते हैं, तो जितने ऐसे शब्द जो किसी स्थानीय बोलचाल या अनार्य स्त्रोत से आदतन हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं, झोला, टांग, ठुमरी, गड़गड़, बट बट, फटफट, तो ये ध्वनियात्मक भी होते हैं, देशज शब्द हैं जो हमारे लिए यादृच्छिक भी हैं, हमारी क्षेत्रीयता भी है, और इसी प्रकार हमारे लिए क्षेत्रीयता भी है, यादृच्छिक भी है, और कभी कभी हमारे लिए अनुकरणात्मक भी है, ठीक है। अनुकरणात्मक के अंतर्गत क्या होता है, भिन्न भिन्न कहते हैं, टीम टाम कहते हैं, ढीम ढाम कहते हैं, ढांस ढोस कहते हैं, इसी प्रकार देखा जाए तो खटाखट, तड़ातड़, सटासट, तो कभी कभी साउंडिंग इफेक्ट पर भी हम देशज शब्द का निर्माण करते हैं, तो झोला, ठुमरी, ठांग, खिड़की कहता है, तेंदुआ कहता है, ठीक है, तो खिड़की, तेंदुआ, बिदकना, धू धू, टे टे कहता है, इसी प्रकार लल्लो चप्पो कहता है, झुमका कहता है, टटोलना कहता है, टाप कहता है, किलकिलाना, कूड़ा कहता है, ढेबर कहता है, सब हमारे लिए देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह देखा जाए तो देशज की खासियत होती है कि यहाँ पर हमारे लिए क्षेत्रीयता का प्रभाव है, यादृच्छिक इच्छा का प्रभाव है, और अनुकरणात्मक है, यानी कि हम इसे अनुकरणात्मक को हम ध्वनियात्मक भी कह सकते हैं, है ना, अनुकरणात्मक को हम क्या कह सकते हैं, ध्वनियात्मक भी कह सकते हैं। ध्वनियात्मक मतलब कि साउंड इफेक्ट पर जब हम इसे दे देते हैं, तो भिन भिनाना, चहचहाना, कुहकुहाना, कुड़कुड़ाना, चिड़चिड़ाना, इसके अतिरिक्त टुकुर टुकुर कहते हैं, ये सभी हमारे खुरदुरा कहते हैं, खर्रा कहते हैं, ये सब हमारे लिए देशज की श्रेणी में आते हैं। अगला है हमारे लिए आपका विदेशज, ठीक है। विदेशज क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो हमारे भारत देश में बाहर से आया है, इसे हम एक ऐसा शब्द कहते हैं, इसे फॉरेन वर्ड्स भी कहते हैं, और इसे आगत शब्द भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो भारत देश के अंदर बाहर से आया हो, ऐसे शब्दों को विदेशज कहा जाता है। भारतवर्ष के अंतर्गत मुगल शासकों के आने की वजह से, है ना, मुगल शासकों के आने की वजह से मुगल शब्द के अंतर्गत हम बहुत सारे मुगल शब्द इस्तेमाल करते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, ये सारे शब्द का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। उसी अनुसार दूसरा है कि ब्रिटिश हुकूमत, है ना, अगर देखा जाए तो हमारे लिए दूसरा प्रभाव माना जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के आने से हमारे पास जितने भी प्रभाव आए हैं, उसमें हमारे लिए रूसी, फारसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, लैटिन, है ना, यूनानी, ये सारे शब्द का प्रभाव देखने को मिलता है। तो विदेश अज, यानी कि विदेश अज का मतलब क्या हुआ, विदेश जो भारत के बाहर से आकर यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो विदेश अज यानी कि विदेश जिसे हम आगत शब्द की श्रेणी में रखते हैं, तो ड्राइड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि विदेशी भाषा से आए हुए शब्द को विदेशज कहा जाता है। ये शब्द जिस प्रकार हमने संस्कृत के शब्दों का हूबहू प्रयोग किया था, वैसे ही विदेशज शब्द को हम आत्मसात करते हुए चले। मुगल शासक जब थे, तब हमारे जितने भी प्रशासनिक कार्य है वो अरबी फारसी में होते थे, इसलिए लगान, खसरा, बंदोबस्त, तहसील, है ना, कचहरी, है ना, वकील, ये सारे शब्द हमारे लिए आपके मुगल शासकों की देन है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत आई, तो हम लॉयर कहने लगे, बैरिस्टर कहने लगे, हम जज कहने लगे, टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर कहने लगे। तो कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जो आवश्यकता के अनुसार अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, लैटिन, यूनानी, डच भाषा, रूसी, चीनी, जापानी, ये सारे ऐसे शब्द हैं जहां इसके दो प्रभाव, एक तो मुगल शासकों के आगमन के बाद में, और एक हमारे लिए अंग्रेजी हुकूमत के बाद में। मुगल शासकों के साथ में जब आए, तो हमने अरबी फारसी के शब्दों का इस्तेमाल किया। अरबी फारसी के शब्द की अगर हम बात करते हैं, तो अरबी भाषा में ज्यादातर नुक्ता वाले शब्द होते हैं। जैसे कि हम नुक्ता किसे कहते हैं, जैसे हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं जरा,
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी भाषा में इससे मिलता जुलता शब्द है अगर कोई, तो हम वहां पर नुक्ता को हटा देंगे, क्योंकि जरा कह रहा है जिसका मतलब है तनिक या थोड़ा, लेकिन जरा कह रहा है तो वृद्धावस्था होती है। इसी प्रकार देखा जाए तो जब मुगल शासक आए तो अरबी भाषा के शब्द में कोई कहता है कि पश्तो में, यहां तक कि इंग्लिश में अगर वो फैशन कह रहा है ना, अगर वो फैशन कह रहा है तो इंग्लिश भाषा के शब्द में भी नुक्ता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आवश्यकता के अनुसार यदि वो हमारे लिए क, ह, व, ज और फ है ना, इससे प्रभावी शब्द होंगे, वो सब हमारे लिए अरबी फारसी के शब्द होंगे। और इस तरह देखा जाए तो हमारे एग्जाम्पल के तौर पर विदेशन शब्द में हमारे लिए क्या आएंगे, जितने भी ऐसे शब्द हैं जो आवश्यकता के अनुसार हमने उनको इस्तेमाल तो किया परंतु परिवर्तन ना करते हुए उसी रूप में अपनाया है जिस रूप में वो हमारे लिए विदेशन में इस्तेमाल होते। तो अल्लाह खुदा जमीर कहता है, ठीक है ना, इसी रूप में अगर देखा जाए तो हमारे लिए बर्फ कहता है, हमारे पास तो हिम है, हमारे पास हिम है वो बर्फ कहते हैं। हमारा ब्याह होता है वो क्या करते हैं, हमारा विवाह होता है वो शादी करते हैं, हमारे यहाँ संतान पैदा होती है उनके यहाँ औलाद आती है, हमारे जनक हैं उनके वालिद हैं, हमारी पत्नी है स्त्री है उनकी जनाना है, ठीक है। हमारे पास अगर देखा जाए तो संबंध विच्छेद होता है वो तलाक देते हैं, तो इस तरह कंपैरिजन कर, हमारे पास क्या होती है, हमें वेतन मिलता है, उन्हें पगार मिलती है, उन्हें तनख्वाह मिलती है, हम श्वास लेते हैं वो दम भरते हैं, हम श्वास लेते हैं वो दम भरते हैं, हम खुशी नहीं होते, हम हर्षित होते हैं वो खुश होते हैं। हमारे पास तो मदिरा है वो शराब पीते हैं, हमारे पास मदिरा है वो शराब पीते। इस तरह अगर आप हमारे चीजों को देखें, हमारे पास वृक्ष है उनके पास दरख्त है, हमारे पास वृक्ष है उनके पास दरख्त है। इस सारे शब्द को इस्तेमाल करने के लिए कि अरबी फारसी तुर्की अगर देखा जाए तो मैंने कहा ना कि 5000 प्रकार के शब्द की दिन भर में आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अधिकांशतः अगर देखा जाए ना तो हम जो प्रचलन में प्रयोग करते हैं तो कहा जाता है कि लगभग 2000 से 3000, कुछ किताबों के अनुसार देखा जाए तो हिंदी भाषा में फारसी शब्दों की संख्या जो है वह 3500 मानी जाती है और अरबी शब्दों की संख्या 2500 मानी जाती है। यानी कि हमारे द्वारा फारसी शब्द हैं जो 3500 फारसी शब्द हैं जो प्रयोग होते हैं और 2500 वर्ड्स हैं जो अरबी के हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अरबी फारसी तुर्की पुर्तगालियों को सबको मिलाकर देखा जाए तो विदेशज में लगभग 6000 प्रकार के शब्द हैं जो केवल मुगल शासकों से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो यूरोपियन कंपनियां जब आई थी, रूसी, चीनी, जापानी, डच, लैटिन है ना, ये सारे शब्द का अफ्रीकी, इसी प्रकार आपके देखा जाए तो हमारे लिए जितने भी शब्द हैं वो विदेशा शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद होता है हमारे लिए हाइब्रिड वर्ड्स जिसे कहा जाता है संकर शब्द, ठीक है ना। संकर का मतलब होता है मिलावट, ठीक है, संकर का मतलब होता है मिलावट। दो भिन्न भाषागत शब्द को लेकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। दो भिन्न भाषागत शब्द को लेकर बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं, आपके संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि परीक्षा बोर्ड कहता है, अब परीक्षा हमारे लिए क्या है, तत्सम शब्द है और बोर्ड हमारे लिए अंग्रेजी है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो माल गोदाम कहता है तो माल शब्द है जो आपके अरबी भाषा शब्द है और गोदाम हमारे लिए तद्भव शब्द है। तो दो भिन्न भाषागत शब्द से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। अब इसी में हम देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा है आपके लिए अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, क्या ये अंग्रेजी है, क्या ये फ्रांसीसी है, क्या ये डच भाषा है, क्या ये पुर्तगाली है। तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा की श्रेणी में आता है, यानी कि विदेशज के अंतर्गत आपको याद करना होगा इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। फिल्मोत्सव कैसा शब्द है, अभी मैंने बताया दो भिन्न भाषागत शब्द से मिलकर बनाओ, या तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज या तत्सम तद्भव ना होकर तत्सम देशज और तद्भव विदेशज, या तो तत्सम विदेशज या तद्भव देशज, यानी कि दो भिन्न
भाषागत शब्द के मिश्रण वाले शब्द को हम संकर शब्द यानी कि हाइब्रिड वर्ड्स कहते हैं। तो फिल्मोत्सव में कैसा शब्द है, अब देख रहे, तो फिल्म उत्सव संधि विच्छेद करेंगे तो फिल्म उत्सव, अब फिल्म है अंग्रेजी भाषा का शब्द और उत्सव है हमारे लिए आपका तद्भव आपका तत्सम शब्द, इसलिए हमारे लिए फिल्मोत्सव कैसा शब्द है, ना तो तत्सम है ना देशज है ना विदेशज, बल्कि फिल्मोत्सव हमारे लिए आपका कौन सा शब्द में आता है, संकर शब्द हाइब्रिड वर्ड्स में आता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या आगत शब्द कहते हैं, क्या देशज कहते हैं, क्या रूढ़ कहते हैं या विदेशज कहते हैं। अब देखने वाली बात है कि आगत का मतलब है विदेशज, जो भारत देश के अंदर दूसरे देश से आया है उस आगत को ही विदेशज कहा जाता है। संयुक्त अक्षर होकर अगर किसी परंपरा से रूढ़ होते हैं तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, लेकिन जिन शब्द की उद्भव या उत्पत्ति ज्ञात नहीं हो अनार्य स्रोत से आए हैं तो ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्म में से युग्म शब्द नहीं है, नैसर्गिक का कृत्रिम, समास का न्यून, आरोह का अवरोह और ऋजु का वक्र। अब यहाँ पर आता है विलोम शब्द, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि विलोम शब्द क्या होते हैं, तो अभी जो मैंने आपको शब्द बताया वो मैंने आपको इतिहास के आधार पर आपको शब्द बताए, इसके बाद आता है हमारे लिए तीसरा आधार जो है बेस्ड ऑन मीनिंग, जिसे कहा जाता है अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर शब्द। अब अर्थ के आधार पर शब्द की यदि बात की जाए तो अर्थ के आधार पर शब्द केवल दो होते हैं, एक होता है हमारे लिए सार्थक शब्द, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे लिए आपका निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द जो अर्थ के साथ हो, यानी कि ऐसे शब्द जो अर्थ के साथ हैं उसे हम सार्थक कहेंगे, और ऐसे शब्द जिसका प्रयोग तो हो परंतु अर्थ के बगैर हो उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो अर्थ के साथ है तो सार्थक और अर्थ के बगैर है तो निरर्थक कहलाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिसको सुनते ही उसके अर्थ के द्वारा पहचान लिया जाता है ऐसे शब्द को हम अर्थ का आधार कहते हैं। यदि आप चंद्र कहते हैं तो हमारे लिए आपके तत्सम है, चंदा कहते हैं तो हमारे लिए आपके लिए आपका तत्सम से चंद्र से चंदा कहता है तो देशज, लेकिन चांद कहते हैं तो हमारे लिए तद्भव बन जाता है, मून कहते हैं तो विदेशज हो जाता है, और इसी प्रकार अगर हम माल गोदाम कहते हैं तो हाइब्रिड वर्ड्स होते हैं। दशानन कहकर योग रूढ़ हो जाता है, पाठशाला कहकर यौगिक हो जाता है, और भवन कहकर हमारे लिए वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो कहने का मतलब कि जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता परंतु परंपरागत तरीके से हम उसको प्रयोग में प्रचलन में लेकर चलते हैं तो ऐसे शब्द जो प्रचलन में तो है परंतु उसका अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहा जाता है। इसी सार्थक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अपने ही समान अर्थ को बताने वाला समानार्थी, तो तत्सम से तद्भव परिवर्तन हमारे लिए समानार्थी शब्द हो जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा शब्द जिसका कि नाम अनेक हो परंतु विकल्प के तौर पर उसके बहुत सारे नाम अनेक हो परंतु विकल्प के तौर पर चयन करने पर एक ही अर्थ को बताए, तो ऐसे विकल्प वाले शब्दों का संग्रहण जहां नाम अनेक परंतु अर्थ एक हो पर्यायवाची कहलाता है। अगला है विलोम, गुण स्वभाव प्रकृति में अगर एक ऐसा शब्द जो अपने नाम के ठीक विपरीत हो, उल्टे अर्थ वाला हो, उल्टे गुण धर्म वाला हो तो उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि विलोम शब्द के अंतर्गत हमारे लिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित विलोम युग्म में से शब्द युग्म में शब्द नहीं है, कि यहाँ पर विलोम शब्द का जोड़ा दिया है और कहा है कि किसका जोड़ा है जो विलोम शब्द का शुद्ध नहीं है। नैसर्गिक का हो जाता है कृत्रिम, नैसर्गिक जो प्राकृतिक है उसका हो जाता है कृत्रिम, ठीक है, जो बनावटी है। समास का न्यून होता है, अवरोह का आरोह होता है, ऋजु का वक्र होता है। इसमें आएगा समास का न्यून नहीं होता बल्कि समास का क्या होता है, व्यास होता है ना, समास का मतलब होता है संकुचित हो जाना और व्यास का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन के देते हैं, प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्प में पर्यायवाची शब्द छांटिए। अब आपको बता दें कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे,
कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, कि शब्द में विकल्प के तौर पर एक ही शब्द के अर्थ को बताने वाला, यानी कि पर्यायवाची क्या होता है, एक ऐसा शब्द जिसका कि नाम तो अनेक हो परंतु अर्थ केवल एक हो। वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेम बट वर्ड मीनिंग इज ओनली वन दैट कॉल सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द। और पर्याय का मतलब होता है विकल्प, पर्याय का मतलब होता है विकल्प। जब पर्यायवाची का निर्माण किया जाता है तो पर्यायवाची के निर्माण के समय ये खासियत ध्यान रखी जाती है कि तत्संग तद्भव देशज विदेशज सभी शब्दों को उसमें स्थान दिया जाता है। समान अर्थ वाले वैकल्पिक शब्दों का संग्रहण पर्यायवाची शब्द कहलाता है। समानार्थक और तुल्यार्थक भी कह सकते, पर पर्यायवाची समानार्थी में एक अंतर है कि समानार्थी को लिखने के लिए केवल एक नाम लिख दिया जाए तो काफी है, पर पर्यायवाची के लिए एनी हाउ एनी टाइप ऑफ कंडीशन दो या आदेशानुसार जितना कहा जाए उतना लिखना अति अनिवार्य होता है। तो समानार्थी और पर्यायवाची की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर्यायवाची युग्म शब्द होते हैं, यानी कि आप देखा जाए तो समानार्थी और पर्यायवाची जो एक ही हैं, कि पर्यायवाची से ही समानार्थी के लिए हम शब्द को लेकर आते हैं, इस पर्यायवाची के तीन प्रकार होते हैं। एक पूर्ण पर्याय होता है, एक पूर्णापूर्ण पर्याय होता है और एक अपूर्ण पर्याय होता है। पूर्ण पर्याय का मतलब होता है एक ऐसा पर्यायवाची शब्द जो अपने नाम के बदले पूर्णतः प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि यदि तनय कहता है तो हम उसके बदले पुत्र भी लिख सकते हैं, बेटा भी लिख सकते हैं तो चलेगा, है ना। तनय कहता है तो पुत्र या बेटा कहे तो भी चलेगा। लेकिन अपूर्ण पूर्णापूर्ण पर्याय क्या होते हैं, कि ऐसे पर्यायवाची शब्द जो हर जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, जैसे कि लटकाना, उसी प्रकार अरझाना, उसी प्रकार फंसाना, ठीक है, इसी प्रकार टांगना कहता है। तो अगर हमें इस्तेमाल करना है कि मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, तो मुंह टांगे क्यों बैठे हो, मुंह फंसाए क्यों बैठे हो, मुंह अटझा हुआ क्यों है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब पर्यायवाची का निर्माण किया जाता है तो वहां कुछ शब्द होते हैं जो एक ही कैटेगरी में रख दिए जाते हैं परंतु उन्हें सूक्ष्म सा अंतर होता है, और इसी पर्यायवाची के इस अपूर्ण पर्याय से युग्म शब्द का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे लिए आवेदन निवेदन कहता है, प्रार्थना अनुरोध कहता है, ठीक है, इसी प्रकार पत्नी और स्त्री कहता है, इसी प्रकार हमारे लिए आयु अवस्था कहता है। अब आयु की यदि बात की जाती है तो आयु क्या है, आयु का मतलब होता है संपूर्ण उम्र, आयु का मतलब होता है संपूर्ण उम्र होता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर अवस्था कहते हैं तो जिस परिवेश में है ना, वर्तमान समय यानी कि उस व्यक्ति का वर्तमान अवस्था यानी कि उसकी अवस्था कहलाएगी। अगर कहता है मोहन की 15 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, तब संपूर्ण उम्र है। इस समय मोहन 15 वर्ष की अवस्था में है, मतलब अभी वो 15 साल का है, हो सकता है उसकी आयु और अधिक बढ़ने वाली हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पर्यायवाची यानी कि वैकल्पिक शब्दों का एक संग्रहण होता है जिसे पर्यायवाची कहा जाता है, पूर्ण पूर्णापूर्ण और अपूर्ण, और अपूर्ण पर्याय से ही युग्म शब्द का निर्माण होता है। अब देखने वाली बात है कि हमें कुछ याद करना है, जैसे जल कहता है, अब जल का पर्यायवाची अगर हम कहें तो जल का पर्यायवाची वारी भी है, अंबु भी है, ठीक है, नीर भी है, पय भी है, ठीक है ना। अब इसी में अगर हम अज लगा दें यानी कि जन्म लेने वाला, अगर हम इसी में अज लगा दें जन्म लेने वाला, तब हमारे लिए जलज बन जाता है, नीरज बन जाता है, वारिज बन जाता है, ठीक है ना, इसी प्रकार हमारे लिए सरोज हो जाता है। और जब वो जन्म ले रहा है तब ये सब हमारे लिए कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इसमें अद लगा देते हैं, अद मतलब कि लाने वाला, ठीक है, अज का मतलब जन्म लेता है जहां, ठीक है, और अद का मतलब होता है लाने वाला, ठीक। अब इसमें यदि हम जल में द लगा दें, नीर में द लगा दें, वारी में द लगा दें, तो जलद नीरद वारिद कहकर सब हमारे लिए बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यदि हम निधि लगा दें, ठीक है, या हम यहां पर धी लगा दें, जहां पर वो क्या करता है, संग्रह करता है, ठीक है, तो अगर वो जलधी कहता है, ठीक है, इसी प्रकार पयोधी कहता है, इसी प्रकार नीर निधि कहता है, तो सभी हमारे लिए जहां जल का संग्रहण होता है वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। और इसी प्रकार पार्वती के पर्यायवाची में
गौरी के पर्यायवाची में हम पुत्र लगा दें तो गणपति का पर्यायवाची बन जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे द्वारा इंद्र के पर्यायवाची में हम पति लगा दें, इंद्र के पर्याय हेतु अगर हम इंद्र का पर्यायवाची बनाना है तो देव के पर्यायवाची में पति लगा दें तो सूर्यपति देवपति कहकर हम उसके लिए इंद्र के पर्यायवाची बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि पर्यायवाची शब्द अगर हमें याद रखना है तो कुछ उसके ट्रिक्स होते हैं जिसके आधार पर उसे समझा जाएगा। अगर पर्यायवाची शब्द को जानना है तो उसे तोड़कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे उल्लू जिसका वाहन है उल्लुकवाहिनी, ठीक है, रक्त कमल पर आसीन है जो रक्त पद्मासना, लाल वस्त्र धारण करती है तो लाल वस्त्रा, ठीक है, इसी प्रकार धन की देवी है जो तो धन देवी है ना। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाली तो श्वेत वस्त्र सरस्वती हो गई, वीणा की जो बजाती है तो वीणा वादिनी हो गई, हंस में जो गमन करती तो हंसगामिनी हो गई, ठीक है, लंबा उदर जिसका लंबोदर है ना, लंबा कान है जिसका लंब कर्ण, ठीक है, गौरी का पुत्र है जो शिव को प्रिय है जो तो शिव पुत्र गौरी पुत्र अगर कहते हैं तो सब गणपति की पर्यायवाची होंगे, ठीक है। और इस तरह पर्यायवाची को याद करने के लिए उसे तोड़ तोड़ कर मतलब उसे संधि विच्छेद करके समास विग्रह करके हम पर्यायवाची को याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्प में पर्यायवाची शब्द को छांटिए। इंद्राणी, ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है उमा, ऑप्शन सी है गौरी और ऑप्शन डी है आपकी सची। अब देखिए उमा पार्वती है और पार्वती का पर्याय ही गौरी है, ठीक है, और राधा जो है हमारे लिए एक अलग पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो सची कह रहा है इंद्र का पर्याय है सची, तो शचीपति यानी कि शची यानी कि इंद्राणी, तो इंद्र की पत्नी को हम शचीपति कहते हैं है ना, या हम उसे इंद्राणी कहते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपासना, ठीक है ना, पर्यायवाची इसका क्या है, पूजा है कि अर्चना है कि आराधना है कि सभी, तो उपासना अगर हम करते हैं देव की अर्चना करते हैं तो अर्चना आराधना और पूजा, लेकिन ध्यान रखिएगा पूजा भगवान के सामने बिना किसी सामग्री के हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं तो ये पूजा है, लेकिन धूप दीप नैवेद्य से अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो वो अर्चना कहलाती है, और हम हर प्रकार से मगन होकर अगर हम उनकी स्तुति वंदना करते हैं आध्यात्म की ओर हम जाते हैं तो वह आराधना कहलाती है, यानी कि उपासना सभी का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित शब्दों के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्म से उपयुक्त अर्थ भेद के विकल्प का चयन कीजिए। व्याध और व्याधि, तो मैंने अभी युग्म शब्द बताया कि पर्यायवाची का एक ऐसा पर्यायवाची शब्द जिसका इस्तेमाल पर्यायवाची में विकल्प के तौर पर तो है परंतु में सूक्ष्म सांतर होता है तो ऐसे शब्द को युग्म शब्द कहा जाता है। व्याध और व्याधि, तो हिरण है या रोगी, मृत या रोग, शिकार या शरणार्थी, शिकारी या शारीरिक, तो व्याध का मतलब होता है शिकारी जो शिकार करता है और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक है ना, और आधि का मतलब होता है मानसिक रोग, तो आधि और व्याधि, तो आधि का मतलब होता है आधि है ना, आधि कहता है ना तो इसका मतलब होता है मानसिक रोग, और व्याधि कहता है तो इसका मतलब होता है शारीरिक रोग, ठीक है। जलज और जलद, अभी मैंने आपको बताया, तो क्या जलज, अब देखिए एक साइड दिया है शंख मोती कमल है ना, और जलद का दिया है बादल जल देने वाला कपूर, तो जलज के लिए सभी पक्ष सही है और जलद के लिए सभी है मतलब कि ये उपयुक्त पूरा सही है, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा शब्द है ओह, कैसा शब्द है, क्या यह विकारी शब्द है, क्या यह अव्यय है, क्या यह अविकारी है, बी और सी दोनों। तो समझने वाली बात है कि एक ऐसा शब्द है ओह जो हमारी भावनात्मक पक्ष को बताता है, तो किसी भी वक्ता के विस्मय संबंधी मनोभावों को जब बताता है तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, और यह विस्मयादि बोधक ऐसा शब्द है जिस पर वचन का लिंग का काल का कारक रचनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे शब्द जिस पर विकार उत्पन्न नहीं होता तो अविकारी कहते हैं, जिस पर विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी कहते हैं, और इसी विकारी अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी, बी और सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा कि समानार्थी शब्द क्या है, एक ऐसा शब्द जो अपने ही समान शब्द के सरल अर्थ को बताता है, ठीक है। पर्यायवाची क्या है, अपने ही नाम के विकल्प वाले शब्दों का ऐसा भंडारण जो एक ही अर्थ को बताता है भले ही उसके विकल्प के तौर पर नाम बहुत सारे हो तो पर्यायवाची कहलाते हैं। गुण स्वभाव प्रकृति ढंग कायदा से अगर वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। और युग्म शब्द क्या होते हैं, ऐसे पर्यायवाची जो विकल्प के तौर पर इस्तेमाल तो होते हैं परंतु सूक्ष्म संतर होता है तो आपके अपूर्ण पर्याय से ही युग्म शब्द का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वचन लिंग कारक रचना के आधार पर
परिवर्तित होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्या उसे अव्यय कहते हैं, क्या उसे अविकारी कहते हैं, क्या उसे विकारी कहा जाता है, क्या उसे सविकारी कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि ऐसे शब्द जिस पर वचन लिंग काल कारक रचना के आधार पर परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। और जिसमें परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सुरभि, सौरभ, सुवास, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो पर्यायवाची शब्द की कैटेगरी में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि पर्यायवाची में ये तीनों दे दिया है, किसका पर्याय है? तो सुरभि, सौरभ, सुवास किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्या सुनीति के, क्या सुगंध के, क्या रूपसी के, या मुकुर के? ये आपके सुगंध के पर्यायवाची हैं, ठीक है। भौरा, कोयल, सखी किसके अनेकार्थी हैं? अब आप कहेंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कि नाम तो एक होता है परंतु आवश्यकता और प्रसंग के अनुसार उसके हर वाक्य में हर प्रकार से उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में खासियत होती है अनेकार्थी शब्दों की। वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग बट वर्ड नेम इज ओनली वन, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका कि नाम तो एक हो परंतु प्रयोग के अनुसार उसके अलग अलग प्रकार के अर्थ निकले। तो अनेकार्थी में और पर्यायवाची में अंतर क्या है? बहुत सारे नाम होकर एक अर्थ को बताएगा तो पर्यायवाची है, एक नाम होकर बहुत सारे अर्थ को बताएगा तो अनेकार्थी कहलाता है। यदि कर कहता है तो तू अभी इस काम को कर कहता है तो कार्यादेश हुआ, प्रतिवर्ष सरकार को कर पटाना चाहिए कहता है तो टैक्स हुआ, पृथ्वी पर सूर्य के कर भी सीधी रेखा में पड़ते ही कहते तो रोशनी हो गई, हाथी अपने सूंड में, हमारे हाथी अपने कर में बहुत सा पानी सोखता है कहते हैं तो उसे कर कर, शिक्षक, गुरु अगर कहते हैं, इसी प्रकार वजन कहते हैं, ग्रह कहते हैं, तो सब गुरु के अनेकार्थी हो जाते हैं। अगर वो गुरु कहता है तो हम शिक्षक को भी गुरु कहते हैं, छंद की मात्रा भी गुरु है, ठीक है, ग्रह का नाम भी गुरु है, आपके जो दिन है उसका भी नाम गुरु है, जो वजन होता है उसे भी गुरु कहा जाता है, इस तरह होते हैं अनेकार्थी। तो आंसर क्या होगा कि भौरा, कोयल, सखी किसके अनेकार्थी है? अली, अंत, अनंता या आकार, तो ये अली के पर आपके अनेकार्थी शब्द है। तो अली हम भौरा को भी कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं और सखी को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? अब यहां पर ऐसे प्रश्न दिए हैं, पर्यायवाची दिए हैं जिनमें से किसी एक का गलत है। ऑप्शन ए कहता है कमल, क्या कमल को जलज, सरोज, नीरज कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। पुष्प, क्या उसे सुमन, कुसुम, फूल कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पुष्प में, कुसुम में, सुमन में, तो ध्यान रखिएगा जो हर प्रकार का खिला हुआ रंग बिरंगा जो उद्यान में, वाटिका में दिखाई दे रहा है उसे हम फूल कह सकते हैं, पुष्प कह सकते हैं, सुमन कह सकते हैं, लेकिन उसे कुसुम नहीं कह सकते। कुसुम केवल उन फूलों को कहा जाता है जैसे भीनी भीनी सुगंध, जैसे मोगरा हो गया, रात रानी हो गई, गुलाब हो गया, चमेली हो गई, ये कुसुम की श्रेणी में आते हैं। है तो फ्लावर्स, है तो पुष्प ही, परंतु जिसमें सुगंध होता है उसे कुसुम कहते हैं, और जो केवल पुष्पित होते हैं उन्हें पुष्प कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार सूर्य, क्या सूर्य को दिवस कहते हैं? नहीं। क्या याम कहते हैं, वासर कहते हैं? नहीं। सूर्य को आदित्य, दिनकर कहते हैं, रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो दिन होता है उसे दिवस, याम या वासर कहते हैं। तो सरस्वती को गीरा कहते हैं, भारती कहते हैं, वाणी कहते हैं। तो इनमें से किसका पर्यायवाची गलत है? सूर्य का पर्यायवाची गलत है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उद्धत का विलोम नहीं है, उद्धत का विलोम शब्द नहीं है, क्या सौम्य, क्या विनीत, दोनों सही है? उदंड। अब देखिए, उद्धत यानी कि जो उद्दंडता करता है, तो उसका विपरीत है कि सौम्य और विनम्र स्वभाव का हो, विनीत यानी कि वो बिल्कुल सीधा साधा हो, तो आपके ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसका विलोम कौन नहीं है? उदंड। उद्धत का पर्याय है उदंड, उद्धत मतलब कि जो शरारत करता है तो उसे उदंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं? सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है देशज विदेशज को मिलाकर कि कौन सा शब्द है जो आपके आए हैं और क्या वहां से वो शब्द लिए गए हैं तो सही है क्या, यानी कि सही युग्म का चयन करना। ऑप्शन ए दिया है तुर्की चेचक, बांग्ला प्रगति, पुर्तगाली लोटा, मराठी गल्प। तो कहने का मतलब है कि क्या हमारे लिए जो तुर्की शब्द है चेचक वो है? हाँ, तुर्की जो है वो, चेचक जो है वो तुर्की का शब्द है। दूसरा, बांग्ला प्रगति को कहता है क्या? नहीं, ये मराठी का शब्द है।
मराठी में गल्प है क्या? नहीं, ये बांग्ला का शब्द है। पुर्तगाली में लोटा है क्या? नहीं, ये देश शब्द है। तो कहने का मतलब सही युग्म किस में है? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? निम्न में से एक का अर्थ नौका है। तरुणी, तरुणी, तरणी, तरुण और तरणी। ठीक है, तो यहां पर भी आपके समोच्चार्य शब्द का प्रभाव है। अब आप कहेंगे कि समोच्चार्य शब्द क्या होते हैं? एक समान उच्चारण होने वाले शब्द को समोच्चार्य शब्द कहा जाता है। एक ही रूप का नजर आता है इसलिए समरूपी, एक ही ध्वनि सुनाई देती है इसलिए समध्वनि कहलाती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से और लेखन की प्रक्रिया से ये अलग होते हैं इसलिए इसे भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा है निम्न में से एक का अर्थ नौका है, तो तरुणी कह रहा है। अब तरुण जो है वो युवा है, लेकिन तरुणी कह रहा है तो युविका हो गई। ठीक है, इसी प्रकार तरुण युवा है और तरणी, इस तरणी का मतलब हमारे लिए सूर्य होता है, इस तरणी का मतलब सूर्य होता है, और जहां दीर्घ ई की मात्रा लगती है इसका अर्थ हमारे लिए नौका होता है। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण की गलती से एक समान उच्चारित हो, एक ही रूप का, एक ही ध्वनि का नजर आए और अर्थ और उसके लेखन की दृष्टि से भिन्न हो, तो ऐसे शब्दों को भिन्नार्थक कहते हैं। ये भिन्नार्थक है किसका? एक का अर्थ नौका है, तो जिसमें दीर्घ ई की मात्रा है वो नौका है और छोटे ई की मात्रा है वो सूर्य को कहलाता है। द्विज के अर्थ है, द्विज का अर्थ है। अब ये अनेकार्थी से प्रश्न ले लिया गया है, क्या द्विज के अर्थ में ब्राह्मण और दूजा है, पक्षी और दांत है, अंडज और चंद्रमा है, या सभी? तो ध्यान रखने वाली बात है, जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विज कहा जाता है। इस द्विज के अंतर्गत हम एक वर्ण मानते हैं ब्राह्मण परिवार, जिसे द्विज वर्ण कहा जाता है। जो दूसरा होता है तो दूजा भी हमारे द्विज है। पक्षी दो बार जन्म लेते हैं, सांप दो बार जन्म लेता है, एक बार अंडे में आते हैं उसके अंदर फूटते हैं अंडे से बाहर, दांत भी दोबारा जन्म लेता है। इसी प्रकार अंडज यानी कि जो हमारे जो सांप है, पक्षी है, चंद्रमा घटता और बढ़ता है, इसलिए द्विज के अर्थ में हमारे लिए सभी आएंगे। ठीक है, ये भी अनेकार्थी की श्रेणी से प्रश्न पूछा है। अगला है गांठ का अर्थ है, जटिल, घना, गिरह या मेघ। तो गांठ एक तत्सम शब्द है, गांठ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा हमारे लिए गिरह शब्द। कौन सा शब्द ऐच्छिक का विलोम है, आविर्भाव, अनिवार्य, औचित्य या आवश्यक? तो ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा से, तो ऐच्छिक का विलोम तो अनैच्छिक भी होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐच्छिक का अगर हम ये अर्थ ले लेते हैं कि आपकी इच्छा है तो कीजिए, लेकिन अगर हम कहते कि अनिवार्य है, करना ही है, तो ऐच्छिक का विलोम अनिवार्य भी होगा और ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक भी माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि अनिवार्य दिया है तो हमारे लिए आपका अनिवार्य होगा। ठीक है, औचित्य का अनौचित्य होगा, ठीक है ना, आविर्भाव का प्रादुर्भाव होगा, इसी प्रकार आवश्यक का अनावश्यक होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए बेटा, प्रयोग के आधार पर अभी तक हमने कितने आधार पर शब्द को देख लिया? तो ध्यान समझने वाली बात है कि हमने कितने देख लिए। हमने देख लिया एक ऐसा शब्द जो हमारे इतिहास के आधार पर थे, तो अर्थ के आधार पर हमने देखा समानार्थी, उसी प्रकार अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चार्य शब्द, युग्म शब्द को देख लिया। एक ऐसा शब्द होता है जिसका एक ही अर्थ होता है तो उसे एकार्थी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चौथा आधार है हमारे लिए प्रयोग व रूपांतर के आधार पर। तो प्रयोग और रूपांतर के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए दो प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है ना, प्रयोग और रूपांतर के आधार पर एक होता है हमारे लिए विकारी शब्द, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे लिए अविकारी शब्द। और अभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे शब्द जो वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार, पुरुष के अनुसार और काल के अनुसार, तो काल, वचन, लिंग, कारक और पुरुष के अनुसार यदि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हो तब हमारे लिए वो विकारी यानी कि डेक्लिनेबल वर्ड्स बन जाते हैं। और ऐसा शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द यानी कि इनडेक्लिनेबल वर्ड्स कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत हमारे लिए आते हैं आपके चार प्रकार के विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया
और अतः हमारे लिए विशेषण, ये चार हमारे लिए विकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। और अविकार्य में क्या आते हैं? अविकार्य में आते हैं हमारे लिए क्रिया विशेषण, आता है हमारे लिए आपका संबंध बोधक, ठीक है, फिर आता है हमारे लिए संयोजक जिसे हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं, और अंत में आता है हमारा विस्मयादि बोधक। आप इसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, और कुछ किताब कहता है कि शब्द भेद कितने होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारे पास 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं, 4 आपके विकारी और 4 होते हैं अविकारी, जैसे डेक्लिनेबल और इनडेक्लिनेबल कहते हैं, जिसमें नाउन है संज्ञा, प्रोनाउन है सर्वनाम, एडजेक्टिव है विशेषण, और वर्ब है हमारे लिए क्रिया। एडवर्ब है हमारा क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन है संबंध बोधक, कंजक्शन वर्ड्स है संयोजक, और विस्मयादि बोधक को इंट्रोजक्शन कहा जाता है। तो प्रयोग और रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या कहा गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। निम्न में से अव्यय शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण या समुच्चय बोधक, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, तो अगर वो कहता है मैं धीरे धीरे खाता हूं, मोहन धीरे धीरे खाता है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है जिसे परिवर्तन नहीं है, तो ये आपके अव्यय या अविकारी हुआ। संबंध बोधक, वृक्ष के नीचे, मोहन के आगे, मेरे घर के पास कहता है, तो प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक हुआ। समुच्चय बोधक, माता और पिता, मोहन गया परंतु वापस लौट आया, तो समुच्चय बोधक या संयोजक यानी कि कंजक्शन वर्ड्स। लेकिन एडजेक्टिव यानी कि मोहन सुंदर बालक है, राधा सुंदर बालिका है, यानी कि हमारे लिए अगर विशेषण की बात करें तो बच्चा मोटा है, बच्चे मोटे हैं, बच्ची मोटी है कहकर उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो निम्न में अव्यय नहीं है, तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण अव्यय शब्द नहीं है, बाकी तीनों हमारे लिए अव्यय या अविकारी में आते हैं। अनेकार्थक शब्द गुरु के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द के लिए गुरु के लिए, क्या शिक्षक को गुरु कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। छंद में दीर्घ की मात्रा को गुरु कहते हैं क्या? हाँ जी कहा जाता है। माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, लेकिन उत्कोच कहता है ना, यह हमारे लिए गुरु नहीं होता। तो जो रिश्वत ली जाती है, जो घूस लिया जाता है ना, उसे हम उत्कोच कहते हैं, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द में गुरु का अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चना वना कैसा शब्द है? चना वना कैसा शब्द है? सार्थक और व्यर्थक है कि निरर्थक और सार्थक है, कि सार्थक और निरर्थक है, कि भाषा बोली है? तो कहने का मतलब जिस शब्द का अर्थ है चना कहकर तो सार्थक है, लेकिन प्रयोग में तो है परंतु अर्थ नहीं है, तो वना कह रहा है तो निरर्थक है। तो इसका आंसर होगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इन सब के अतिरिक्त देखा जाए बेटा, तो ध्यान रखिएगा, इन सब के अतिरिक्त हम कुछ और शब्द हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ और शब्द हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। और उन शब्दों में हम क्या देखते हैं, जितने भी आधार मैंने बताए, रचना के आधार पर, इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इसके अलावा देखा जाए तो शब्द के अलावा कुछ और प्रयोग होते हैं जो रचना विधि में शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां रचना विधि में संयुक्ताक्षर, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग होते हैं, उनमें हम वर्णात्मक और अवधारणात्मक प्रयोग जो है वो करते हैं। वर्णात्मक यानी कि वर्ण अक्षरों को संयुक्तिकरण किया जाता है, जहां संयुक्त ध्वनि बनती है, जहां पर हमारे लिए संपृक्त ध्वनि होती है, द्वित्व प्रयोग होते हैं। अनुवधारणात्मक यानी कि जो अवधारणा आवश्यकता के अनुसार हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़े तो दूसरे भाषा के शब्द को लेकर चलते हैं। अनुकरणात्मक जहां हम शब्द को ध्वनि के आधार पर नकल करते हैं, उसी प्रकार रणन शब्द यानी कि रण यानी कि रैमिंग वर्ड्स की तरह, जैसे ढेल पेल है ना, उसी प्रकार हम लेन देन, चाल ढाल ऐसे शब्द का। तो कभी कभी हम युग्म शब्द बनाते हैं, युग्म शब्द यानी कि हमारे शब्द में पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, हौले हौले, जल्दी जल्दी, है ना। द्विरूपत जहां हम उसका दो रूप में प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कि से अनेकार्थी शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार पूर्ण द्वित्व जहां पर हम उसका पूरी तरह से प्रयोग करते हैं, अपूर्ण द्वित्व, अप्रतिध्वनियात्मक। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो प्रयोग अप्रयचन में हम सामान्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य शब्द में वो सारे शब्द आते हैं जो हमारे लिए तत्सम तद्भव भी है, देशज विदेशज भी है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ भी है। समान प्रकार के शब्द में हम उसका इस्तेमाल जो है वो आवश्यकता के अनुसार करने लगते हैं। अगला, कुछ परिभाषिक शब्द होते हैं,
ऐसा शब्द जो स्वयं को परिभाषित कर देता है। अगर अम्ल क्षार विलयन कहता है, आसवन कहता है, तो हमारे लिए केमिस्ट्री है। अणु परमाणु जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया कहता है तो हमारे लिए बायोलॉजी के शब्द हैं। उसी प्रकार आय व्यय क्रय विक्रय कहता है इकोनॉमिकल वर्ड्स है। भूकंप ज्वालामुखी दर्रा घाटी कहता है तो भूगोल के शब्द हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो टेक्निकल वर्ड्स फ्रिज टीवी रिमोट्स कहते हैं, या फिर हम कंप्यूटर कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, तो टेक्निकल वर्ड्स हैं। ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना, हम प्लेन कहते हैं, उसी प्रकार एयरक्राफ्ट कहते हैं तो टेक्निकल प्रशासनिक शब्द में। अगर हम आयोग कहते हैं, है ना, मंत्रालय कहते हैं, इसी प्रकार सचिवालय कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर आपके प्रतिलिपि कहते हैं, इसी प्रकार आपके आपके शब्दों में हम जितने भी प्रयोग करते हैं प्रशासन में, वो हमारे लिए प्रशासनिक शब्द होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ध परिभाषिक होते हैं, है ना, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सहसा प्रयोग में कर लिया जाता है, उसे अर्ध परिभाषिक कहते हैं। वैसे ही सेमी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्रिज को फ्रिज कहना, ट्रेन को ट्रेन कहना, प्लेन को प्लेन कहना, आपको बैटरी को बैटरी कहना, फोन को फोन कहना, ये अर्ध तकनीकी शब्द की श्रेणी में आते हैं। आवश्यकता के अनुसार हम उन जब शब्द का अर्थ देखते हैं, जब किसी साहित्य की रचना की जा रही होती है, तो हम शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं जहां ओजस्वी भाव रहते हैं। तो वर्ड पावर एंड वर्ड एट्रीब्यूट, वर्ड पावर एंड वर्ड एट्रीब्यूट, यानी कि शब्द शक्ति और शब्द गुण के प्रयोग होते हैं। शब्द गुण में जहां ओजस्वी भाव जाता है तो ओज गुण होता है, जहां प्रेम और मधुरता का संचार हो तो माधुर्य गुण होता है, जहां मन संतुष्ट हो जाए वहां प्रसाद गुण होते हैं। इसी प्रकार जहां जो बात जैसी है वैसे कह दिया जाए तो अभिधा शब्द शक्ति होती है, जहां किसी बात को सुनने वाला अपने अपने अनुसार अर्थ को लेता है तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और इसी तरह किसी बात को इनडायरेक्टली कही जाए तो वहां पर हमारे लिए एक ऐसे शब्द शक्ति होती है जिसे कहा जाता है हमारे लिए आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। तो कहने का मतलब कि जितने प्रकार के शब्द हैं हमारे द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, तो आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया कि वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। दूसरी बात कि ये वर्ण अक्षर का सार्थक समूह क्या कहलाता है, रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़, इतिहास के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक के अंतर्गत समानार्थी, एक ही अर्थ को बताने वाला एकार्थी, अनेक अर्थ को बताने वाला अनेकार्थी, विकल्प वाले हो तो पर्यायवाची, समश्रुत समरूपी समध्वनि या समोच्चारित या भिन्नार्थक, और एक होता है आपके युग्म शब्द, ठीक है, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, और अविकारी में क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज के लेक्चर वीडियो में शब्द विचार के माध्यम से पूरा टॉपिक हमने कवर किया, छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने बताई है तत्सम से तद्भव परिवर्तन के, पर्यायवाची को तैयार करने का तरीका, इन सभी से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये सब मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आपकी परीक्षाओं में इस पाठ्यक्रम के माध्यम से समझने में सरलता होगी और उसे बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो यूं ही अगर मेरे साथ बनते हैं बने रहना है और यूं ही आपके छोटी छोटी चीजों को लेकर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक को समझने में सरलता को प्राप्त करना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आने वाले लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत नए टॉपिक के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।